गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी बज रहे हैं 7:30 सुबह के और मैं करी फ्रिज साफ क्योंकि वो ड्यूटी मेरी है, क्योंकि आज कोई क्लास नहीं, आज सैटरडे है, तो इसलिए मुझे फ्रिज साफ करने को बोला है। और यहाँ पे ध्रुव देख रहा है कौन सा धोरी। काफ़ी दिनों से अच्छा मौसम हो रहा, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। कौन सा हम देख रहा, अपने जैसा इंसान देख रहा हूँ। मैंने फ्रिज साफ कर दिया, इसने सफाई कर दिया, अब हम खाना खा रहे हैं। क्यों खा रहे? ये पता नहीं क्यों नहीं खा रहा। हमें पबजी खेलता हूँ। अच्छा ओ ये पागल है। सुबह के 11:30 और अभी हम खेल रहे थे तीनों भाई बहन गेम। अब पता नहीं वो मेरी बहन पता नहीं क्या कर रही है और ध्रुव यहीं बैठा है। खाना बना रही। ये क्या है? लाल चटनी मोमोज वाली। अब मैं ऊपर छत से कपड़े लेके आ रही हूँ, पे जाते हैं कपड़े लेके आते हैं। आज मौसम बहुत अच्छा रहता है इसलिए पैर चलेंगे नहीं। मौसम अच्छा हो रहा है आज। तो अब बच चुके दिन के 1 और अब बच चुका हमारा लंच टाइम, जिसमें आज बना है भट और मोमोज वाली चटनी सलाद। देख ये भट, ये मलाई चटनी, ये सलाद, ये तिल की चटनी और चावल। और हम सब यहाँ बैठ के सौरभ जोशी ब्लॉग देख रहे हैं, क्योंकि आजकल वो उत्तराखंड गया हुआ है और अब इनका काम नहीं हो रहा है, इस वजह से अब आवाज़ भी नहीं आ रही। मम्मी, मैं और पापा जा रहे हैं वो लॉट्स मेट्रो मॉल सामान लेने घर का, और इसलिए मतलब अभी हम निकल रहे हैं और मिट्टू और ध्रुव घर पे रहेंगे, बस हम ये 3 जा रहे हैं। आज फुल्ली गर्ल चेकिंग कर रहे हैं तो शायद इस वजह से जाम लगा हुआ था। और यहाँ पे लोग गेम बैट बॉल खेल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, धूप निकलने लग गई बाहर, इस वजह से हमने अंदर एसी चला लिया क्योंकि बाहर बहुत गर्मी हो रही है। ग्रीनरी हो रही है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे लगा रखे हैं अलग अलग टाइप के, जिसमें कुछ फूल भी है और कुछ ऐसे भी है, तो सही है। और यहाँ पे इधर की साइड बस वगैरह थोड़ी, और यहाँ पे पास में नर्सरी भी, क्योंकि
और अब हम संभाल लेंगे अपना। यहाँ पे हम एलिवेटर, मैंने तो जिंदगी में पहली बार देखा, तो अब हम अपना सामान लेते हैं। शॉपिंग कर रही है, नहीं समझ नहीं आ रहा क्या लूँ। वही तो सारी सब्जी वब्जी है, अंदर खुले गए हैं, खुले वगैरह भी है, चीनी और पैक्ड भी मिलेगी, ये सारे कैश वगैरह मारता भी नहीं सामान। पापा ले जा रहे हैं, मिलता ये भी वगैरह। अब यहाँ पे सामान पैक होता है, तो अब यहाँ पे सामान पैक हो रहा है, हमारा सारा सामान पैक हो रहा है। जैकेट उधर ने सामान ले लिया है, जितना भी हमें घर का सामान चाहिए था। अब हम वापस अपने घर जा रहे हैं, होपफुली कि अब जाम ना मिले, क्योंकि 8 बजने वाले हैं, हम बहुत लेट हो चुके हैं, बहुत सारा सामान ले लिया हमने, कि आते वक्त हमें बहुत जाम मिल गया था, इसलिए हमारे जाने का इरादा तो मेट्रो मॉल था, लेकिन वहाँ पर पार्किंग का कुछ सिस्टम अलग था, तो इसलिए हम यहाँ पर आ गए। मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे सिटी फॉरेस्ट भी है, शायद से यहाँ पे बहुत अंधेरा सा और खा जंगल जंगल टाइप है, ये सिटी फॉरेस्ट है। हम अपनी स्कूल की तरफ से पिकनिक जाते थे, तो इसी रास्ते से आते थे। सारे फ्रूट्स वगैरह फिर से लगने शुरू हो गए, मतलब इस जगह पे तो लगने शुरू हो गए हैं, सब लोग अपने काम धंधे लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पे वाटरमेलन वगैरह के फ्रूट्स वगैरह हैं और मैंगो वगैरह सब लग चुके हैं। वैसे तो हमारे यहाँ पे मंडोली रोड पे भी लोगों ने लगानी शुरू कर दिया, लेकिन वहाँ पर इतनी भीड़ नहीं है जितनी वहाँ पर। आलू की सब्जी, सूखे आलू
और रोटी। पापा और मम्मी दोनों फ़ोन पे लगे हुए और मैं खाना खा रही हूँ और ये फ़ोन पे लगे हैं। और हम वहाँ से अंडे की ट्रे भी ले आए, चिकन भी ले आए, हम सब कुछ ले आए वहाँ से जितना भी सामान था। जा रही हूँ छत पे क्योंकि अब बज गए हैं 10:30 और मैंने अपना सारा काम वाम कर लिया है और आज थोड़ी मैं थक भी गई थी इसलिए मैं शायद सो जाऊँगी जल्दी, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं छत पे जा रही हूँ और इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।